जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहर दोस्तों। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सच में देश के प्रधानमंत्री को कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आपको शर्म आनी चाहिए। आपके कारण, आपके बिलों के कारण, आपने जो बिल बनाए हैं संसद में बैठ के, उसके कारण हमारे देश के किसान सड़क के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, मर रहे हैं, भूखे पेट है। और आप पता नहीं कौन सा देव दीपावली पर्व बना रहे हो और उसमें लेजर लाइट का शो का मजा ले रहे हो। आप ऐसे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हो। और दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि जितने भी बिल आए हैं सभी किसान हितैषी है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। और झूठे प्रधानमंत्री साहब, आप देव दीपावली का मजा ले रहे हो काशी के तट पर बैठ के। और दोस्तों, मैं आपको वो फोटोज भी दिखाऊंगा, वीडियोज भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की समस्या से ध्यान भटकाकर, किसान तिल तिल कर रोज सड़क पर मर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, आंसू गोश के गेले बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर, बहुत ज्यादा मतलब ये कहो कि प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे देश के किसानों को, अन्नदाताओं को। लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे है। बल्कि मन की बात कार्यक्रम हो या कहीं पर भी हो, जाते हैं प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैंने तो भाई अपना काम कर दिया, मैं तो किसान हितैषी हूं, मैंने तो जो बिल बनाया सब कुछ सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मिनिमम प्राइस है वो इस बिल के कारण हमारे किसानों का मारा जाएगा, मंडियां लगभग खत्म हो जाएगी, और जो ब्रोकर लोग है या फिर जो बड़े लोग है, जैसा कि बड़े लोग समझ गए ना भाई, जिनको फायदा पहुंचाना चाहिए मोदी सरकार को, उनको फायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा और किसानों को कुछ नहीं मिलेगा, किसानों का नुकसान ही नुकसान होगा। दोस्तों, तभी तो इतने सारे किसान आज सड़क पर है, भूखे प्यासे पेट लाठियां खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री लेजर शो का मजा ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तो चलिए वो वीडियो दिखाता हूं आपको। तो देखा दोस्तों आपने, देव दीपावली के मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना बढ़िया लेजर शो एंजॉय कर रहे हैं, भक्ति में लीन है, मगन हो गए हैं, बिल्कुल भक्ति में डांस कर रहे हैं, थिरक रहे हैं भोले के सॉन्ग पर। लेकिन उनको चिंता है, जरा सी भी लेश मात्र भी चिंता है इस देश की, मुझे नहीं लगता है होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी भाई कहा भारत में होगा वो अनाज खाते होंगे, वो तो 1.5 लाख रुपए वाला मशरूम खाते हैं, उनका खाने ही भाई अलग है, तभी तो इतनी अच्छी हेल्थ बनी हुई है भाई। लेकिन 10 लाख का सूट पहनने वाले, लाखों रुपए का मशरूम खाने वाले प्रधानमंत्री जी, इस देश का किसान जब अन्न उगाता है भले ही आप नहीं खाते होंगे, लेकिन इस देश के 130 करोड़ लोग जो है, जो गरीब है, जो जनता है, वही अनाज खाती है। और आज उन सभी को खाना खिलाने वाला, अनाज खिलाने वाला एक फार्मर, एक किसान आज सड़क पर है, आंदोलन कर रहा है अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगे जो है वो पूरी करवाना चाहता है। लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका ध्यान केवल भोले के गाने में है, नदी के तट पर है, लेजर शो पर है, और देव दीपावली पता नहीं भैया कौन सा नया कॉन्सेप्ट लाए हो, कौन सा नया पर्व लाए हो उसके ऊपर है। क्या कहोगे यार आप एक ऐसे प्रधानमंत्री को जो यार बिल्कुल अपने देश की जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, अपनी प्रजा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जिन लोगों ने उसको वोट दिए, जिन लोगों ने उसको जिताकर प्रधानमंत्री बनाया, दूसरी बार बनाया है भाई, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे है, कोई चिंता ही नहीं है चेहरे पे, कुछ मतलब चिंता ही नहीं है, अपने को एंजॉय करना है। और ये बेशर्मी देखिए, आप देखिए कि किस प्रकार से बढ़िया वीडियोस बनाकर एडिट कर सोशल मीडिया पर भी डाले जा रहे हैं। अब भाई आप इस बारे में क्या सोचते हो, मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया, आपकी जो विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग दे सकते हो। और भारत का संविधान पढ़ना चाहते हो, अपने घर पर बुलवाना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन करके रखा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करो और भारत का संविधान खरीद लो, जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने बनाया है, वो आपके घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जाके सबसे पहले संविधान खरीदो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो
और सब्सक्राइब करो अपने हाथों से और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए भारत दस्तक, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।